हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय स्टाइल। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा, और वो भी बिना एक बूंद घी के। इसके लिए चाहिए हमें गाजर। गाजर को हमने अच्छे से धो लिया है और उसको साफ कर लिया है। गाजर को कद्दूकस कर लेंगे। हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए 2 किलो गाजर। गैस ऑन करके कढ़ाई को गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है, और देखिए इस कढ़ाई में कुछ भी नहीं है, और इसमें हम सीधे जो है अपनी गाजर डाल देंगे। कद्दूकस की भी गाजर की आधी मात्रा डालने के बाद इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी लगभग 200 ग्राम है, और इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कम या ज़्यादा। अब इसमें हम बाकी बची हुई गाजर डाल देंगे। ये देखिए सारी गाजर डाल दी है, और इसको अब हम अच्छे से मिलाएंगे। चीनी और गाजर के एक साथ मिल जाने के बाद अच्छे से हम इसे ढक्कन लगाकर ढक देंगे। लगभग 10 मिनट बाद ढक्कन खोलकर चेक करेंगे। देखिए चीनी और गाजर ने अपना पानी छोड़ दिया है, और इसको हम खोल करके ही ऐसे पकाएंगे। हमें चीनी के पानी को पूरी तरीके से सुखाना है। ये देखिए इसमें गाजर का पानी एकदम सूख गया है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। दूध हमारा फिश का ठंडा नहीं होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए, वरना ये फट सकता है। अगर आप पैकेट वाला दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे पहले ही फ्रिज से निकाल के बाहर रख दीजिए। यह हमने दूध भी टोंड वाला यूज़ किया है। 1 लीटर दूध लिया है हमने, और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे गाजर के साथ में। और तेज आँच पर इसे एक उबाल आने तक पकाएंगे, और उसके बाद आंच को धीमा कर देंगे। दूध में उबाल आ गया है, अब इस स्टेज पे हम गैस को धीमा कर देंगे। धीमी आंच पर इसे पकने देंगे। बीच बीच में इसको चलाते रहिए, वरना शायद कहीं दूध फट ना जाए। इसको चलाना बहुत जरूरी है। आंच को धीमा ही रखिए। दूध धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है और सूखने लगा है। इसे हमें पूरी तरीके से सुखाना है। जब 2/3 दूध सूख जाए, इस स्टेज पर मिलाएंगे इलायची पाउडर। हरी इलायची को क्रश करके इसका पाउडर बना लेंगे हमें, और इसको इसमें मिला देंगे। आप बाज़ार से आने वाला रेडीमेड इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लगभग 1/2 टीस्पून, और इसको अच्छे से मिला देंगे। दूध हमारा काफ़ी सूख चुका है, बस इसमें 10 मिनट और लगेंगे मेरे ख्याल से सूखने में इसको। ये रेसिपी हम लोग की बहुत अच्छी है, जिनको चिकन नूडल बनाना है। और इसकी शक्ल देख के आपको बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि इसमें घी नहीं पड़ा है। इसका टेस्ट वैसे ही आता है जैसे कि हम नॉर्मल गाजर का हलवा बनाते हैं, उसमें आता है। ये देखिए दोस्तों, गाजर ने दूध एकदम सोख लिया है। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स बनाएंगे। काजू और बादाम मैंने लिए हैं 1 बड़ा चम्मच, छोटे छोटे टुकड़ों में काटे हुए, और खोया ऐड करेंगे जो मैंने हाथ से क्रम्बल किया हुआ है। खोए और ड्राई फ्रूट्स को हमने अपने हलवे में ऐड कर दिया। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है, और धीमी धीमी आंच पर थोड़ी देर तक भूनना है। इसको बहुत अच्छे से भूनना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसमें घी बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसलिए कम से कम 10 मिनट इसको धीमी आँच पर भूनना है लगातार चलाते हुए। यहाँ पर केयरफुल रहें, वरना ये नीचे से लग जाएगा।
खोया भी मैंने कच्चा ही लिया था, इसको भी मैंने नहीं भूना है। तो इस मीन्स कुल मिला के इसमें चिकनाई बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी चिकनाई ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को देसी घी में थोड़ा सा भून लीजिए और तब उसको इसमें ऊपर से मिला दीजिए और मिक्स कर लीजिए। लेकिन मैं इसमें घी नहीं डाल रही हूँ, मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगी। इसको हम धीरे धीरे भूनेंगे, लगभग 10 मिनट तक धीमी आंच पर, और उसके बाद ये रेडी हो जाएगा सर्व करने के लिए। हलवे के साथ खोया अच्छे से मिक्स हो गया है, ड्राई फ्रूट्स भी मिक्स हो गए हैं, अभी बिल्कुल रेडी है। हमने इसको 10 मिनट तक लगभग भून लिया है, लिया था थोड़ा सा खोया, रोक लिया था मैंने कद्दूकस करके। इसको हम सर्व करते समय ऊपर से डालेंगे हलवे पर अपने। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप दूध की मात्रा बढ़ा दीजिए, लगभग आधा लीटर दूध और ऐड कर सकते हैं। गैस ऑफ कर देते हैं और इसको सर्व करेंगे हम। तो हलवा हमारा तैयार है, इसे खाइए, खिलाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि यह कैसा बना था। अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, मैं अपनी रेसिपी की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, अगर मुझसे कुछ बताने से रह गया हो तो वो आपको वहाँ ज़रूर मिलेगा। काइंडली चेक इट। थैंक यू।